नमस्कार, मैं स्तुति, आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कजाकपुरा क्षेत्र में मामूली विवाद में दो वर्गों के बीच हुआ जमकर पथराव मारपीट, मौके पर पहुंची भारी फोर्स ने लाठी पीट कर भीड़ को खदेड़ कर माहौल कराया शांत। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रूपा कपूर ने सर्किट हाउस में बैठक कर अधिकारियों व समाज सेवियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की गजाघर शाखा में पर्यावरण एवं विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में आयोजित 3 बजे संगीत में भजन संध्या का किया गया समापन। और अब खबरें विस्तार से। खजाकपुरा क्षेत्र में मामूली विवाद में दो वर्गों के लोग आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों वर्गों के बीच जमकर पथराव व मारपीट हुई। वहीं मौके पर पहुंची भारी फोर्स ने लाठी पीट कर भीड़ को खदेड़ा और माहौल शांत कराया। कजाकपुरा क्षेत्र में शुक्रवार की रात लगभग 9:30 बजे पान की दुकान पर हुई कहासुनी ने उग्र विवाद का रूप धारण कर लिया और दो वर्गों में जमकर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि कजाकपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास दुकान पर कुछ लोग पान खा रहे थे। इस दौरान एक युवक से किसी बात पर कहासुनी हो गई। इस बीच बात मारपीट व गाली गलौज तक पहुंच गई। वहीं इसके कुछ ही देर बाद दोनों तरफ के लोग जुट गए और उनमें पथराव होने लगा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नारेबाजी करते हुए मौके पर जमे रहे। स्थिति तनावपूर्ण होने पर एसपी सिटी और एडीएम सिटी के नेतृत्व में 12 से अधिक थानों के फोर्स, पीएसी और क्यूआरटी की टीम पहुंच गई। उग्र लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिस पर पुलिस लाठी पीट कर भीड़ को तितर बितर किया। वहीं पथराव व मारपीट में लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए। रात लगभग 11 बजे पहुंचे डीएम व एसएसपी ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा। आला अधिकारियों ने क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों संग सरैया तक गश्त की। वहीं डीएम सुरेंद्र सिंह ने कहा कि दो पक्षों में मारपीट के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, क्षेत्र में अब शांति है। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रूपा कपूर ने सर्किट हाउस में बैठक कर अधिकारियों व समाज सेवियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रूपा कपूर ने सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक के दौरान बाल शिशु गृह व किशोर सुधार गृह तथा संवासिनी गृह की लचर व्यवस्था, उनके कार्य करने के तरीकों को बदलने व बाल पुलिस की इस कार्य में भूमिका को लेकर वाराणसी की समाज सेवी संस्थाओं व एनजीओ के लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही बाल संरक्षण पर विशेष कार्य करने के उद्देश्य से अधिकारियों को इस ओर कड़े कदम उठाने की भी बात कही गई। इस अवसर पर डॉक्टर लेनिन, निरुपमा सिंह, अनीता जायसवाल सहित कई समाज सेवी मौजूद रहे। हम लोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से आई थिंक 2015 से ही हमने मुहिम लिया था कि जो बनारस है इसको हम एक चाइल्ड फ्रेंडली प्लेस बनाएंगे। तो उसके लिए जो जो करने की ज़रूरत है वो हमने सब कोशिश की है। तो जैसे सबसे पहले हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ जुड़ के दो एरिया लिया था, चोलापुर और अराजी लाइन, ताकि वहाँ से कुपोषण को हम थोड़ा कम कर सकें। तो उस पर हमने बहुत फोकस अटेंशन दिया था और थोड़ा बहुत चेंजेस आने शुरू हुए हैं, और भी चेंज की हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम और काम वहाँ कर सके। तो वो एक एक्टिविटी थी। दूसरा, हम चाहते थे कि क्योंकि बनारस एक ऐसी जगह है, ऐसे कई जगह है उसमें से वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है बहुत ज़्यादा। ट्रेन से बच्चों को लाया भी जाता है और यहाँ बेचा जाता है, फिर कई बच्चे जो यहाँ से जाते हैं दूसरे राज्यों में बेचे जाते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ ट्रैफिकिंग है बनारस में। तो हम चाहते थे कि जैसे रेलवेज है जिसके माध्यम से बच्चे आते हैं, तो अगर ट्रेन के अंदर बच्चों को बचाया जा सकता है तो टीटीओ की ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेन के बाहर जब स्टेशन में उतरे तो वहाँ स्टेशन में कोई स्टेशन सुपरिंटेंडेंट या कोई रेडी हो जो बच्चों को बचा सके। इसके लिए हमने कल एक, जैसे आपने देखा, वर्कशॉप किया है रेलवेज के साथ, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ पूरी देश भर में ये मुहिम हम कर रहे हैं। तो बनारस को भी हमने सिलेक्ट किया था कि हम यहाँ भी करेंगे। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की गिरजाघर शाखा में पर्यावरण एवं विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई।
के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की सभी शाखाओं में पर्यावरण एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गिरजाघर स्थित शाखा में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन विद्यालय समूह के निदेशक द्वय अनंत चतुर्वेदी व आनंद चतुर्वेदी द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रदर्शनी में बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधों के महत्व, जंगलों के संरक्षण पर आधारित चित्रों सहित विज्ञान व कम्प्यूटर विषय के मॉडल प्रदर्शित किए। साथ ही जूनियर वर्ग के बच्चों ने थंब पेंट, ग्लास पेंटिंग इत्यादि का प्रदर्शन किया। निदेशक द्वय सहित सभी शिक्षकों व अभिभावकों ने बच्चों द्वारा प्रदर्शित चित्रों का अवलोकन किया तथा बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। इस मौके पर रिंकल सेठ, शिवानी समीर, ज्योति सिंह सहित सभी शिक्षक गण व छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक गण उपस्थित रहे। बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई है, जितने भी वेस्ट चीजें हैं किस तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि हम किस तरीके से फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से अपने प्लांट्स को रिसाइकल कर सकते हैं, एनिमल्स को किस तरीके से एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं या उनको सेव कर सकते हैं, जो कि टाइम टू टाइम हम लोगों ने कोलाज वर्क, हैंड प्रिंटिंग, ये सारी चीजें भी बच्चों से कराई हैं कि हम अपने कल्चर से, बच्चे कहीं कटे नहीं, उनको कल्चर से रिलेटेड सारी चीजें पता चलती रहे। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो भी बच्चों को हम अवेयर कराते रहे कि किस तरह से और क्यों हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इससे पेरेंट्स को भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा हेल्प करें, और हमारे पेरेंट्स हमें हेल्प करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि हम बच्चों को घर पे भी अवेयर कराएं कि जो चीजें वो यहाँ कर रहे हैं उसको वो घर पे भी यूज कर सकते हैं और किस तरीके से चीजें बच्चों को अपडेट कराई जा सकती है। Good morning, myself Vashi Seed and I'm from class 8 and our theme is for our science, safe trees and from the botany life. These are very useful and to recycle all the uses of this science and to make very useful and make our India up to date and well organized, much modified, and all the citizens of India we have much proud for that. We have to recycle all the uses and then we have to make by the waste materials and all the things etc. लक्सा लक्ष्मीकुंड स्थित प्राचीन कालीमठ में आयोजित 3 दिवसीय संगीतमय भजन संध्या का समापन हुआ। लक्सा लक्ष्मीकुंड स्थित प्राचीन कालीमठ में 3 दिवसीय संगीतमय भजन संध्या का समापन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां के विभिन्न सुगंधित पुष्पों व आभूषणों से अलौकिक झांकी सजाई गई तथा मां को भोग अर्पित कर उनकी भव्य आरती की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के गगनभेदी जयकारे लगाते हुए उनका दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर कन्हैया दुबे के नेतृत्व में भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजनों का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। इस अवसर पर कलाकारों को मंदिर समिति की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर पंडित कुबेरनाथ मिश्र, पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे, संतोष जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत विकास परिषद द्वारा सूरजकुंड नई सड़क स्थित SBSS सेंट्रल कॉलेज में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सूरजकुंड नई सड़क स्थित SBSS इंटर कॉलेज में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक डॉ कैलाश चंद शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद भारत विकास परिषद की अध्यक्षा विनीता श्रीवास्तव ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया।
इसके बाद वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति की गई। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने गुरु की महिमा का वर्णन किया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के संस्थापक योगेश श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। वहीं भारत विकास परिषद की प्रांत अतिथि रत्ना बागची ने विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव व दीपमाला को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त सुधा गर्ग, जितेंद्र राय आदि को भी सम्मानित किया गया। समस्त कार्यक्रम का संचालन परिषद की सदस्य सुषमा सिंह ने किया। इस अवसर पर समस्त शिक्षकगण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। हम यहाँ पर गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में यहाँ करते हैं। सभी हम भारत को धीरे धीरे जो भारत की संस्कृति है, संस्कार है, वो धीरे धीरे जो कमियां आ रही है भारत विकास परिषद जो है उसको उजागर कर रहा है और उसको कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, हम अपने संस्कारों को ना भूलें, इसके लिए ये पहल है भारत विकास परिषद श्रद्धा द्वारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन जो हमेशा होता रहा है और प्रत्येक वर्ष इसको अच्छे से मनाया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद वाराणसी द्वारा कोषागार कार्यालय के प्रांगण में बैठक की गई। कोषागार कार्यालय वाराणसी के प्रांगण में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद वाराणसी की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने अपना अंशदान एनपीएस में लगभग 700 करोड़ रुपए कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा किया है और वर्तमान में शेयर के उतार चढ़ाव को देखते हुए भविष्य अंधकार में लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और वर्तमान सरकार द्वारा जो वादा खिलाफी की गई है, इसके लिए सरकार को चेतावनी देने के लिए भारी संख्या में ऐतिहासिक रैली कर्मचारियों शिक्षकों की लखनऊ में देखने को मिलेगी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरा कर्मचारी शिक्षक अधिकारी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो वह आगामी लोकसभा चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बैठक में लगभग सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता शशिकांत श्रीवास्तव एवं संचालन जिला मंत्री श्यामराज यादव ने किया। बैठक में दीपेंद्र श्रीवास्तव, शेष मोहन मालवी, प्रमोद श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज हम लोग ये समीक्षा बैठक किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विगत जुलाई से कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आंदोलन चल रहा था। अब मंच का ये आह्वान था पहले से ही कि 8 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में रैली की जाएगी, जिसमें कर्मचारी शिक्षक और अधिकारी तीनों लोग शामिल होंगे वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के सारा पूरे भारतवर्ष का कर्मचारी अब एक हो चला है और आक्रोश भी बहुत ज़्यादा फैल गया है लोगों में। कारण ये है कि जो 700 करोड़ रुपये अंशदान के रूप में सरकार को जमा करना था एनपीएस में, वो जमा नहीं की गवर्नमेंट ने। अब पेंशन का ये हालत है कि नई अंशदायी पेंशन व्यवस्था जहां लागू करने की बात की है, सरकार अपना अंशदान जमा नहीं कर रही है और उसके बाद शेयर मार्केट का इतना उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को लग रहा है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा ये जो सरकार की नई योजना है, ये कहीं न कहीं हमारे धन पे ही हमारे साथ छलावा सरकार कर रही है। बीएचयू के पंडित ओंकारनाथ ठाकुर प्रेक्षागृह में चल रही 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। बीएचयू के मंचकला संकाय के नृत्य विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय वैश्विक लोक संस्कृति परंपरा एवं प्रतिबिंब विषयक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन किया गया। समापन सत्र में गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न प्रतिनिधि वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। साथ ही 6 देशों व 22 राज्यों से आए कलाकार शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र का वाचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर पारुल शाह ने की। कार्यक्रम का संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। इस अवसर पर नीता राजश्री, डॉक्टर लावण्या, कीर्ति सिंह, रोशन प्रेम योगी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हम कहीं मैं भी कितने सारे फेस्टिवल अरेंज करती हूँ, यही समझ के कि मेरे महाराष्ट्र के या मुंबई के या जिस प्रांत में रहती हूँ वहाँ के लोग उठकर भुवनेश्वर नहीं जाएंगे या कोलकाता नहीं जाएंगे या दिल्ली नहीं जाएंगे, भले वो चाहते हैं कि उनकी कला देखे, तो ये अवसर हमें प्राप्त होता है इस प्रकार के आयोजन का। इसमें जितने भी परफॉर्मेंस हुए हैं, आपने भी गुणीजनों ने उनका विश्लेषण किया है, क्या बात उन्हें अच्छी लगी, क्या बात नहीं अच्छी लगी, ये हर एक का अपना अपना मंतव्य होता है, अपने विचार होते हैं कि परंतु अच्छा हो या बुरा हो उसे देखना बहुत जरूरी होता है। हाँ,
गंगा मैया की हरी चढ़ाया बर चुनरी ओढ़ाया बर पूजनरी गंगा जी के पूजिया दरी। यूपी रोडवेज कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा सभा आयोजित की गई। यूपी रोडवेज कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वाराणसी क्षेत्र की एक आम सभा चौधरी चरण सिंह बस स्टेशन परिसर में संपन्न हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक तंगी से गुजर बसर कर रहा है, प्राप्त पेंशन से परिवार का भरण पोषण कर पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि यदि इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, चंद्रभान सिंह, कमलाकर त्रिपाठी, अविनाश कुमार राय, अवधेश पांडे इत्यादि कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोगों की मांग है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन जो है बहुत कम है, पेंशन को बढ़ाई जाए, पेंशन योजना लागू की जाए। इस महंगाई में 1,000 रुपये से 2,500 रुपये लोगों को मिलता है, इसमें हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए। इसी को लेकर के हम आंदोलनरत हैं। आज कई डिपो पर अपने बस स्टेशन पर हम एक आम सभा के रूप में आंदोलन के प्रथम चरण को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रदीप त्रिपाठी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष शहरा अहरारी वाराणसी आए, इस दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुई। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस द्वारा नवनियुक्त प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष शहरा अहरारी वाराणसी आई। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि महिला कांग्रेस की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व अधिकार दिलाने की है और इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सुरक्षा दिलाने में असफल साबित हो रही है, जिसके चलते छोटी बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ गई हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरा आज आने का मकसद महिला के संगठन को सुदृढ़ करना है। महिला के संगठन में कुछ अपनी परेशानियां आ रही हैं, उनको सुदृढ़ कर करके कार्यकर्ताओं को एकजुट कर करके वृद्ध महिलाओं जो कांग्रेस से दूर हो गए हैं उनको आपस में एक साथ बैठा करके इतने लोगों को करने के लिए ही तैयारियां। अभी सबसे पहले तो मैं संगठन सुदृढ़ करूंगी, उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग इस पे काम आगे करेंगे। प्रदेश में महिला कमेटी का किस तरीके से मजबूती ला लिया? मैंने कहा संगठन सबसे पहले संगठन, बिना संगठन के हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरा आने का मकसद सिर्फ यहाँ पे यही है कि मैं पहले संगठन खड़ा कर पाऊँ, एक मजबूती दे पाऊँ। कई विंग्स हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संस्कृता देव जी उन्होंने किया, ऐसे प्रियदर्शनी विंग जिसमें महिलाओं के लिए ही जो यंग महिला है जो NSUI के साथ पहले काम करती थी अब वो महिला विंग के साथ जुड़ करके प्रियदर्शनी कॉन्सेप्ट लाया गया, सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया, लीगल सेल का कॉन्सेप्ट लाया गया, इन सब में महिलाएं अपनी पूरी भागीदारी दिखाएंगी। समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष इस्माइल खान गुड्डू द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष इस्माइल खान गुड्डू शनिवार को वाराणसी आए। इस दौरान उनके आवास पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें इस्माइल खान गुड्डू ने कहा कि पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि दबे कुचले वर्ग की आवाज उठाएंगे और जो भी सपा के वरिष्ठ नेता उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं उन्हें इस पार्टी से जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको समाजवादी सेक्युलर मोर्चा से जोड़ करके पार्टी के नीतियों को माननीय शिवपाल जी यादव की जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और जो समाजवादी पार्टी से उपेक्षित लोग हैं उनको समाजवादी सेक्युलर मोर्चा से जोड़ करके माननीय शिवपाल जी के नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। इस टाइम पार्टी का गठन हुआ है और आगामी लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, उसके मद्देनजर किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हमारी बूथ स्तर अब तो संगठन का काम जो है आगे बढ़ाया जाएगा। 90 वार्डों में संगठन को तैयार करना मेरी पहली प्राथमिकता है, महानगर के 90 वार्डों में संगठन को तैयार करना है और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में हम लोग उतरेंगे। यह वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैथल समाज बनारस द्वारा प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया।
प्रख्यात लोक गायिका पद्मभूषण शारदा सिन्हा का सम्मान बीएचओ स्थित लक्ष्मणदास अतिथि गृह में किया गया। पद्मभूषण शारदा सिन्हा को मैथल समाज बनारस के संस्थापक अध्यक्ष निरसन कुमार झा, एडवोकेट एवं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक डॉक्टर विजय कपूर ने मिथिला संस्कृति के प्रतीक महाकवि विद्यापति का चित्र, संस्था द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका मिथिला मोत, मिथिला कैलेंडर, दुपट्टा, रुद्राक्ष की माला इत्यादि प्रदान कर सम्मानित किया। अपने सम्मान से अभिभूत शारदा सिन्हा ने कहा कि बनारस आकर उन्हें अपने लोगों के बीच अपनी मिट्टी के सौंधेपन का एहसास हो रहा है। समारोह में गौतम झा, प्रज्ञा पांडे, अनीशा साही, सुधीर चौधरी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैथिल समाज बनारस के बहुत बहुत धन्यवाद दे छियन, आभार प्रकट करे छियन। हमरा सम्मान भेटल, मैथिली के सम्मान छे, लोक संस्कृति के सम्मान छे। आजुक दिन हम इएह कहब जे अपन लोक संस्कृति जे छे ओ बहुत बहुत पैघ धरोहर, के तो बिना संस्कृति या संस्कार के किछु नहि भऽ सकैए। आज समय जे भी किछु भऽ गेल है, लेकिन हमर जे अपन परम्परा है तकरा कायम रखनाइ हमरा बहुत आवश्यक है। आजुक जे नव पीढ़ी छे तकरा लेल हम भूत आधार होइ छै ओकर। भूत पहिने जे हम पास्ट में केलियै से आधार छै हमर। हमर परम्परा एतेक सशक्त रहलै है जे ओहि परम्परा के कायम रखैत आजुक समय में जे नव प्रयोग होइ छै से प्रयोग करैत आ मूल चीज के रखनाइ, ओकरा धरोहर के संचित केनाइ, डॉक्यूमेंटेशन केनाइ, एहि सब चीज के बहुत आवश्यक छै। हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी आ शुभकामना दै छी। लायंस क्लब की ओर से आर्य महिला बाल विभाग के बच्चों में बैग वितरित किया गया। लायंस क्लब वाराणसी द्वारा चेतगंज स्थित आर्य महिला बाल विभाग के बच्चों में बैग वितरित किया गया। इस अवसर पर आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के सदस्यों की उपस्थिति के बीच क्लब के सदस्यों ने विद्यालय के सभी 140 बच्चों में बैग वितरित किया। इस दौरान सदस्यों ने बताया कि क्लब के सेवा सप्ताह के पांचवें दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुकेश पाठक, अनुराग दीक्षित, एसपी श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हम 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक निम्न वर्ग के लोगों की सेवा करते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं, जो जरूरतमंद है उसकी सेवा करते हैं। उसी के तहत आज हम सेवा सप्ताह के पांचवें दिन ये आर महिला के बाल विभाग में, जो कि यहाँ गरीब तबके के बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, इनको हम लोग स्कूल बैग आज हम बांट रहे हैं। कितना स्कूल बैग बांट हम लोगों ने, यहाँ टोटल पूरे LKG से लेकर 5th तक 140 बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को हम लोग आज यहाँ बैग दे रहे हैं। मलदैया स्थित एक होटल में महानगर युवा उद्योग व्यापार समिति वाराणसी द्वारा दायित्व ग्रहण व व्यावसायिक संगोष्ठी आयोजित हुई। महानगर युवा उद्योग व्यापार समिति वाराणसी की ओर से दायित्व ग्रहण व व्यावसायिक संगोष्ठी का आयोजन मलदैया स्थित एक होटल में संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि IG विजय सिंह मीणा, DM सुरेंद्र सिंह, SSP आनंद कुलकर्णी व SP ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महानगर युवा उद्योग व्यापार समिति के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई और व्यापार व व्यापारियों से जुड़े मुद्दों व समस्याओं पर चर्चा की गई। अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज युवा व्यापारी जागरूक एवं सक्रिय है, समाज के हर तबके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और एक स्तंभ के तौर पर समाज की उन्नति की ओर अग्रसर है। वहीं युवा प्रभारी रजनीश कन्नौजिया ने शहर के विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें जाम की समस्या मुख्य रही। कार्यक्रम में सुजीत गुप्ता, राहुल गुप्ता, अभिषेक पांडे, विपिन पांडे सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। आज हमारे महानगर युवा उद्योग व्यापार समिति का दायित्व ग्रहण समारोह है और साथ में व्यापारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी हैं। और हमने आज के इस अवसर पर हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में IG, SSP साहब और DM महोदय उपस्थित हैं। और ये युवा व्यापारी संगोष्ठी है, व्यापारियों की जो मांग है, हम लगातार काफ़ी दिनों से व्यापारियों की मांगें रही हैं, व्यापारी आयोग की मांग रही है। आज हमारा व्यापार मंडल समाज के लिए भी काम करता है, विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो पॉलीथीन का विरोध हो, चाहे वो चाइनीज सामानों का विरोध हो, चाहे वो GST में व्याप्त जो खामियां रही हैं उसके लिए लगातार सड़कों से लेकर के हमेशा हमारा संघर्ष किया गया हमारा व्यापार मंडल। आज इस व्यापार मंडल का एक नई टीम जो बनी है, उस टीम का दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस तरह का आज ये व्यापारिक संगोष्ठी है और हमारे युवा साथियों का दायित्व ग्रहण का प्रोग्राम है। क्या इसमें कौन कौन अध्यक्ष, कितने पद हैं?
आज इसमें हमारे 10 उपाध्यक्ष, 10 संयुक्त मंत्री, 10 संगठन मंत्री, 10 मंत्रीगण, 10 कार्यकारी सदस्य का दायित्व ग्रहण माननीय नीलकंठ जी करा। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाराणसी आए। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा का वाराणसी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आगमन हुआ। कार्यक्रम के पूर्व सर्किट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने पत्रकारों से बात करते हुए वाराणसी में हो रहे विकास पर तंज कसा। साथ ही कहा कि सिर्फ बाबतपुर रोड पर ही विकास दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आए दिन छोटी बच्चियों के साथ हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। लूट छिनैती की घटना पर अंकुश नहीं लगा है और ये सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है। नाराज तो मैं बार बार आ रहा हूँ इधर, क्योंकि वीवीआईपी क्षेत्र है और इस बार मैं बहुजन समाज पार्टी के संगठन की समीक्षा करने आया हूँ जिले स्तर पे। अभी तक जो संगठन बूथ से लेकर के जिला स्तर तक बना है उसकी समीक्षा करेंगे और रात विश्राम भी यहीं करेंगे। कल सामाजिक भाईचारा का सम्मेलन हमारा है, उसको संबोधित करेंगे, तब शाम को वापस लखनऊ जाएंगे। कई बार बनारस देखे जी, कई बार वीवीआईपी इलाके में आए आप और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, कुछ बदलाव दिखता है? बाबतपुर हवाई अड्डे के आगे अभी तो रोड बन रही है, लेकिन एक दो चार किलोमीटर अच्छी रोड दिख रही थी वहाँ पे। बाकी बनारस के अंदर तो अभी पहले जैसा ही नज़र आता है। अभी मैं उस दिन चौका घाट के पास निकल रहा था तो पुल गिर गया था, हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ था। तो उधर तो कोई बदलाव खास नज़र नहीं आता है, लेकिन काम चल रहा है, सब रगत पे ऐसा दिख रहा है। स्मार्ट सिटी का रूप देने की कोशिश में है, स्मार्ट सिटी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बनारस वासियों के लिए तोहफा हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो स्मार्ट सिटी मुझे लगता है बनारस ही नहीं, देश में कोई स्मार्ट सिटी अभी तक तो बन के तैयार नहीं हुआ है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कजाकपुरा क्षेत्र में मामूली विवाद में दो वर्गों के बीच हुआ जमकर पथराव मारपीट। मौके पर पहुंची भारी फोर्स ने लाठी पीट कर भीड़ को खदेड़ कर माहौल कराया शांत। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रूपा कपूर ने सर्किट हाउस में बैठक कर अधिकारियों व समाज सेवियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केके चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की गजाघर शाखा में पर्यावरण एवं विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। अरलक्सा लक्ष्मीकुंड स्थित प्राचीन काली मठ में आयोजित 3 बजे संगीत में भजन संध्या का किया गया समापन। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।